सो हे गाइस, आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं लेजेंडरी RX 100 के बारे में, यामा RX 100 के बारे में। तो इस वीडियो का टॉपिक बेसिकली ये रहने वाला है कि क्या हमें 2023 में RX 100 लेनी चाहिए, और लेनी चाहिए तो उसमें कितना खर्चा लगेगा, अप्रॉक्स क्या क्या चीज़ में उसमें खर्चा लगेगा, और क्या क्या चीज़ उसमें दिक्कत है, क्या लफड़ा लगेगा कागज़ में, कि बिना पेपर के लेना चाहिए, पेपर के साथ लेना चाहिए, जैसा भी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात और, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। पहले वीडियो पूरी वॉच कर लो और उसके बताना कैसी लगी वीडियो, अगर पसंद नहीं आए तो कमेंट कर देना, पसंद आए तब भी कमेंट कर देना भाई, ठीक है। अपने भाई का ही चैनल है, कुछ गलती हो मेरे से तो बता सकते हो आप बिल्कुल ही। तो स्टार्ट करते हैं अपन, तो फिर करते हैं अपन वीडियो स्टार्ट। और सबसे पहले बताते हैं RX 100 क्या थी और कैसे वो बैन हुई और कैसे वो इंडिया में सक्सेस स्टोरी क्या था, ठीक है। तो RX 100 एक मोटरसाइकिल थी 2-स्ट्रोक इंजन के साथ जो आती थी, ठीक है। और ये आई थी RD 350 के बाद, जब RD 350 इंडियन मार्केट में उतना नहीं चल पाई, और उसके चलने के भी कई सारे कारण थे, जैसे कि उसमें डिस्क ब्रेक नहीं था, ठीक है। और शुरू शुरू में इंडियंस के हाथ में पावर लगी थी भाई, इंडियंस को जानते हो कैसे गाड़ी चलाते हैं, तो फुल स्पीड में चलाते थे, और कितने सारे एक्सीडेंट का रीज़न बना है वो, कितने सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में यूज़ होता था, जैसे कि चोरी या तो मर्डर या तो चेन स्नैचिंग, उस टाइम में भी सब होता थी, और उस टाइम में भी ये सब में यूज़ होता थी ये सब गाड़ी, ठीक है। तो RX 100 जो थी वो RD 350 का ही कम पावर वाला वर्जन था, जो कि ईस्कॉर्ट्स के साथ टेक्निकल कॉम्बिनेशन में बनाया गया था, ठीक है। कुछ पार्ट ईस्कॉर्ट के थे और कुछ पार्ट यामाहा जापान के आते थे वहाँ से, ठीक है। तो वो 1985 से लेकर 1996 तक इसका प्रोडक्शन हुआ था, और उसके बाद बंद हो गई, और उतना ही प्रोडक्शन हुआ था जितने में अभी पूरे, मतलब अभी ज़्यादातर इंडिया में हर स्टेट में RX 100 है ही, और काफ़ी ज़्यादा फेमस है RX 100, काफ़ी ज़्यादा मतलब उसकी वैल्यू हो गई है। और अभी जो बाइक उस टाइम में 19,000 की आती थी, 19,000 की थी जिस टाइम शोरूम में RX 100 आई थी शुरू में, ठीक है। और 1996 तक कुछ 25,000 हुई थी, ज़्यादा रेट नहीं बढ़ा था उसका, ठीक है। वो बाइक अभी 1.5 लाख या 2 लाख तक मिलती है, ठीक है, बता रहा हूँ आपको। और RD 350 का तो बात ही छोड़ दो, वो तो भाई 6 से 7 लाख में चले गई ये बाइक, ठीक है। उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो लाऊंगा जल्दी मैं, पर अभी पहले बात करते हैं अपन RX 100 के बारे में, ठीक है। तो RX 100 कैसी बाइक थी कि उसके ऊपर गवर्नमेंट को भी पावर चेक करना पड़ा, क्योंकि ना जो CC उसको मिली थी 98.2 CC की थी वो, और उसका टॉर्क RPM मेरे को कन्फर्म पता नहीं है, पर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं था, नॉर्मल 100 CC के हिसाब से टॉर्क RPM था, पर वो बाइक भाई बिना कुछ मॉड की एकदम फुल्ली कंडीशन में जब शोरूम से निकाल सकते थे आप बाइक को, तो उस टाइम वो 120 टच करती थी। 100 CC के बाइक के लिए 120 टच करना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। अब भाई आजकल के लोग समझ नहीं पाएंगे इस चीज़ को, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको ये सब इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं काफ़ी पुरानी बाइक्स में रह चुका हूँ पहले से, तो अभी 2-4 सालों से इसका क्रेज़ काफ़ी बड़ा है इंडिया में RX 100 का, ठीक है। जब से यूट्यूब पर दिखना चालू हुआ है, पंजाब से दिखना चालू हुआ है, रील्स और टिकटॉक ये सब आए, तब से क्रेज़ काफ़ी बढ़ गया इस बाइक का, और इसकी पावर के कारण, इसकी साउंड के कारण, जो इसकी फायरिंग थी उसके कारण। तो अगर आप अभी RX 100 परचेज़ करने जाओगे 2023 में, तो भाई कम से कम बिना पेपर वाली बाइक भी आपको 40-50 हज़ार की पड़ेगी, ठीक है। और उसका अगर इंजन आप बिल्ड कराते हो तो 15,000 का वो पड़ेगा, पेंट कराओगे 10-15 हज़ार का वो पड़ता है, ठीक है। और जो उसकी बॉडी और ऊपर से जो वायरिंग मीटर ये सब जो लगाओगे तो 10-15 हज़ार का ये पड़ जाता है। तो 50-60 हज़ार की आप बाइक लोगे और 50 हज़ार उसके ऊपर से लोगे। अब भाई ये नहीं बोल रहा कि एक्सपेंसिव है भाई, क्योंकि मेरा खुद का ड्रीम प्रोजेक्ट लेना है, मेरे को RX 100 लेना है अपने लिए, ठीक है। और मेरे को रखना है एकदम संभाल के, जैसे कि स्प्लेंडर को रखूँगा मैं, अभी प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ स्प्लेंडर जल्दी ही मैं, तो वैसे ही मेरे को RX 100 भी लेना है और एक शोगन भी लेना है मेरे को, ठीक है। और MX 100 एक मैं चला चुका हूँ पहले, मेरे फ्रेंड के पास है, वो चलाया हूँ मैं, और वो भी मेरे को एक लेना है, पर उसमें जो है कि उसमें लिमिटर है, तो वो मैं उतना जल्दी सोच नहीं रहा हूँ लेने का। पर मेरे को RX 100 और शोगन तो लेना ही है, अभी लूँ या 1-2 साल में लूँ, पर लूँगा ज़रूर मैं। तो आते हैं अपन अब टॉपिक पे। तो आप लोगे तो कम से कम भी आपको 1,20,000 से 30,000 में पड़ जाएगी। अगर आपके किसी रिलेटिव के पास गाड़ी है, आपके घर में गाड़ी है जो कबाड़ में पड़ी है, उसको आप उठा के बनाओगे तो आपके 50 से 60 हज़ार में बनेगी गाड़ी पूरी, ठीक है। और पेपर का खर्चा 10-15 हज़ार अलग बता रहा हूँ भाई, और एक तो ब्रोकर करवा लेना पेपर के खर्चे के लिए, क्योंकि भाई आप कितना ही भागोगे नहीं होता, RTO वाले जल्दी नहीं करके देते, ब्रोकर कराओगे, ब्रोकर का सेटिंग रहता है अंदर में, 500-1,000 रुपये ज़्यादा लेगा, उतने तो आपके पेट्रोल में लग जाएंगे, तो ठीक रहेगा, हो जाएगा काम, ठीक है आपका। तो मेरे हिसाब से तो अगर आपका शौक है, आप पुरानी पावर फील करना चाहते हो, तो आप लो भाई, ठीक है। और नहीं भाई आपका ऐसा है कि डेली का काम है, डेली के मोटर के जैसे लोगे तो भाई कोई मतलब नहीं है, उसकी माइलेज 30-35-40 मुश्किल से, उससे भी कम ही माइलेज है उसकी। और इस टाइम में अगर आप RX 100 लेते भी हो भाई, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लीगल इशूज़ होंगे, क्योंकि भाई पुलिस उसको रोकेगी ही उसको, पर अभी इंडिया में RX 100 बैन नहीं हुआ, ये बात याद रखना आप, ठीक है। बैन होने में अभी टाइम, अभी मोटर व्हीकल एक्ट आने वाला था, पर अभी फिलहाल उसमें कुछ डीले हो गया, तो अभी टाइम है 1-2 साल, पता नहीं शायद 1-2 साल है कि कितने भी दिन है, आ भी सकता है। पर भाई जो बाइक रोड पर रन करी उसको तो रोक नहीं पाएंगे उन लोग, ठीक है। तो अब जैसे दिल्ली वैली में BS4 या BS3 गाड़ी का चलाने का भी अलाउड नहीं है, ठीक है, ऐसे टाइप से। तो ऐसे ही कुछ रूल आने वाला है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में आपके लिए।
तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाय। जय श्री राम। प्राउड टू बी इंडियन, प्राउड टू बी हिंदू। बाय।